इमरान खान ने पूरी कौम की आवाज बनकर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा। यूएन जनरल असेंबली में भी कश्मीर का दफा करेंगे। भारत की जानिब से खत्ते के अमन को खतरा है। पाकिस्तान को हमेशा डूमोर करने का कहने वाली दुनिया को अब डूमोर करना होगा। फिरदौस आशिक अवान ने वाजे कर दिया। जुमे का दिन कश्मीरियों से कौमी यकजहती का दिन मनाने का फैसला। कश्मीरियों के साथ कोई और खड़ा हो ना हो, पाकिस्तान खड़ा होगा। और जुम्मतुल मुबारक का मुकद्दस दिन उन्होंने जिस अहम मिशन के लिए वक्फ किया और उसको नेशनल सॉलिडेरिटी डे के तौर पे मनाने का जो फैसला किया, कैबिनेट ने उसकी भरपूर तौसीक की और वजीर आजम पाकिस्तान की सफारती सतह पे बैन अल-कौमी क्यादत के साथ भरपूर और मौसर अंदाज से कश्मीर इशू को एक तहरीक में बदलने के उस जज्बे की तारीफ करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान को भरपूर तावन का यकीन दिलाया और कश्मीर के हक के लिए पूरी कौम का सड़कों पर निकलना दुनिया के सामने ये पैगाम है कि अब दुनिया को डूमोर की तरफ जाना है। वो दुनिया जो अपने अमन के लिए, खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान को डूमोर कहती रही, अब जब हिंदुस्तान की तरफ से खित्ते का अमन खतरे में आया तो अब दुनिया को डूमोर करना होगा, उस नारे की तरफ आना होगा और अमली तौर पे उस तरफ मुस्बत अंदाज में पेशरफ्त करनी है। इमरान खान साहब इंशाल्लाह पूरी कौम की आवाज बन के यक जबान होकर यूएन की जनरल असेंबली में कश्मीरियों का जो मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, कैबिनेट ने उनको भरपूर तावन का यकीन दिलाते हुए कि दुनिया में कोई भी हमारे साथ, उस काज के साथ, कश्मीर के साथ खड़ा हो या ना हो, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की क्यादत कश्मीरियों के साथ उस हक और सच के असूली मौकफ पे डट के खड़ी रहेगी।